आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव पीतपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 6 किलोमीटर है। इस गांव की कमान मोहम्मद यासीन ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी इनका सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान मोहम्मद यासीन और सचिव नरेंद्र प्रताप के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्राम प्रधान मोहम्मद यासीन के द्वारा गाँव वासियों को काफी सहयोग किया गया है। जी करीब 30 लोग आए थे और सब कुछ क्वारंटाइन कराया गया मेरे द्वारा और डॉक्टर टीम भी मैंने गांव बुलवाई और उनको क्वारंटाइन कराया गया और उनको काफ़ी लाभ भी उनका मिलने वाला है। एक ऐप दिया गवर्नमेंट ने हमें, वो कह रहे हैं हमसे कि इसको जो लोग बाहर से आए हैं इनका सब पूरा ब्यौरा दीजिए हमें, हम इनके हमें पैसे डालेंगे और कुछ इनके मतलब राशन किट दिया गया जी। आज ही बल्कि एक हमें एक शख्स को दिलवाया, राशन किट दिलवाई पूरी मिलाने के माध्यम से मिलती है जमीन के माध्यम से। उससे पहले भी दो तीन को सरकारी बिल्डिंग में आपके गांव में जैसे बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं जी। पंचायत घर बना हुआ है हमारा, बारात घर नहीं है, कब्रिस्तान शमशान घाट दोनों चीज़ें हैं हमारे, आंगनबाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान। हाँ खेल का मैदान तो नहीं है लेकिन खेलने की वैसे स्कूल काफ़ी बड़ा है हमारा, उसी में करा दीजिए। अस्पताल से कितनी दूरी करें यहाँ से? होगा 1 किलोमीटर सरकारी अस्पताल होगा, 1 किलोमीटर की दूरी। निधि में पैसा सरकार डाल रहे अगर हम और विकास कराएं, शुद्धिकरण कराएं तालाब होगा और कुछ काम हमारे रह गए हैं, सड़कें बनने से रह गई हैं, एक दो सड़कें बनने से रह गई हैं, वो जरूरी है बननी, उसको बनवा रहे हैं और एक समुदाय शौचालय हमें मिला है सरकारी तरफ से, वो उस पर कल से काम शुरू होगा और हम चाहते हैं जितना सरकार पैसा देगी उतना काम कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएंगे। कितने परिवार यहाँ अभी ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की ज़रूरत है? करीब तकरीबन 9 आवास हमारे ऑनलाइन का रखे हमने जिनका पैसा आना बाकी है और करीब 15-20 लोग अभी और रह गए हैं जिन्हें आवासों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगभग 20 परिवार 20 परिवार अभी ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जरूरत है आवास। अब जैसे कि लॉकडाउन अभी भी है पर अनलॉक हो चुका है जी। और काफ़ी जगह पर देखा जा रहा है कि जो लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, सावधानियाँ लोग बरत रहे हैं, ढिलाई ज़्यादा लोगों ने मतलब तय कर ली है, तो इस बारे में अपने गाँव वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपने गाँव वासियों से कहना चाहते हैं मैडम, बल्कि उनसे कहते हैं कि अपनी सुरक्षा करो खुद और खुद नियमों का पालन करो ताकि बीमारी ना फैले। ये ऐसी बीमारी है कि सब इलाज नहीं है अभी तक, तो इसलिए सब समझाया जाता है और बार बार बताया जाता है लोगों को हाथ सैनिटाइज करते रहो। देखिए हमारे पास ये अभी भी बोतल लगी है, हम जो भी आता है हमारे पास उसका हाथ सैनिटाइज कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं और समझा के रखा लोगों को। लोग काफ़ी जागरूक हैं इस चीज़ से, कुछ चौबीस घंटे न्यूज़ देखते हैं, हर आदमी जानता है इस चीज़ की हाँ ये ध्यान रखना बीमारी इन सब चीज़ों का गाँव में काफ़ी ध्यान रखा, काफ़ी ध्यान रखा। कह सकते हैं कि इसी की बदौलत है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी मरीज नहीं आएगा। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से यहाँ हमने बातचीत की है, काफ़ी विकास इन बीते सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, शौचालय से गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, कुछ आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में भी काफ़ी सौंदर्यकरण करवाया गया है और लॉकडाउन के चलते भी गरीब परिवारों की अपने स्तर पर ग्राम प्रधान द्वारा काफ़ी तरह की मदद की गई है, आर्थिक भी और राशन वितरण को लेकर भी। इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो कुछ समस्याएं भी यहां बाकी हैं, जैसे कि कुछ रास्ते अभी यहां पर कच्चे हैं जिसके लिए प्रधान ने यहां मांग रखी है। इसके साथ ही लगभग 20 परिवार यहां ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है और तालाबों का सौंदर्यीकरण से लेकर के यहां पर ग्राम प्रधान द्वारा मांग रखी गई है कि यदि सरकार की तरफ से अच्छी खासी धनराशि मुहैया होती है तो गाँव को विकास की चरम सीमा पर ले जाया जा सकता है।